What does Sakura even see in a guy like you? Answer me already, damn it! Are you actually going to die? Sure am. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ड्राइव की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट रोमांस एनिमे मूवीज को कवर करेंगे। इस लिस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश मूवीज दोनों ही देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई मूवी एंड सीरीज मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 अविष्कर अवे। ये मूवी 16 जून 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 44 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 6.7 out of 10 की रेटिंग मिली है और 89% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 तमाको लव स्टोरी। ये मूवी 26 अप्रैल 2014 में रिलीज हुई थी। ये कॉमेडी रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 24 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको अनऑफिशियल साइट पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 टाइम ऑफ ईव। ये मूवी 6 मार्च 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक एनिमेशन रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 46 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 out of 10 की रेटिंग मिली है और 72% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको ऑनलाइन साइट पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 द गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये मूवी 31 मई 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 46 मिनट का है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मूवी 3 मार्च 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 33 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 वेदरिंग विद यू। ये मूवी 11 अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस फैंटेसी ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 54 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको अनऑफिशियल साइट पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स। ये मूवी 17 सितंबर 2011 में रिलीज हुई थी। ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 45 मिनट का है। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 98% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको अनऑफिशियल साइट पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। I am no longer a human. नंबर 3 आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। ये मूवी 1 सितंबर 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 49 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 96% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको अनऑफिशियल साइट पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। Are you capable of that? How do you feel about Sakura anyway? It's only a bit longer. Will you please stay with me? Number 2, A Silent Voice. ये मूवी 17 सितंबर 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा वाली मूवी है।
इस मूवी का रन टाइम 2 hours 9 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 96% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 योर नेम। ये मूवी 26 अगस्त 2016 में रिलीज हुई थी। ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा वाली मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 52 minutes का है। इस मूवी को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 96% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको अनऑफिशियल साइट पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। We're switching places.